now you are seeing the bricks we are now learning how the bricks are cut in the manner on the side if you see this picture carefully this picture shows all the knowledge which you knows about the pattern in which pattern we cuts the bricks uh, further if you wants to know then मैं आपको बता दूं अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं एक ब्रेक एक सिंगल ब्रेक आप यहां पर देख सकते होंगे ये अपनी ब्रिक है अगर मैं इस ब्रिक को यहां से काटता हूं यहां से इस प्लेन से ये है जो प्लेन है इस प्लेन से ऐसे काटता हूं ये अब कैसे दिखेगा इस ब्रिक को यहां से अलोंग वाई एक्सिस में काटता हूँ तो ये जो पोर्शन है इसका कटा हुआ और ये जो इसका बचा हुआ पोर्शन है इसको हम कहेंगे क्वीन क्वीन क्लोजर और इसका जो आधा पोर्शन है मतलब अब कैसे ये जो अपनी ब्रिक है इसका अगर मैं इसको चार हिस्से में बांट दूँ और ये जो पूरा हिस्सा है ये अगर मैं काट दूँ तो इसका ये जो बचा हुआ इस हिस्सा है ये हिस्सा हम कहें कहला इस हिस्से को हम कहेंगे क्वीन क्वार्टर क्लोजर होप यू सी दिस देखिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ देखिए ये है अपना क्विन क्लोज़र जो बहुत से जगहों पर आपको uh, दिखेगा आप जब अपनी ब्रिक मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब जब अगर हेडर्स uh, और स्ट्रेचर के पास किसी का यूज़ होगा तो ये क्विन क्लोज़र का है लेट्स टेक अ ब्रिक ये अपनी ब्रिक है और अगर मैं इसको यहाँ से आधे से आधा कर देता हूँ ये प्लेन में कुछ ऐसे दिखेगी ये मेरा आध ये पूरी लेंथ है और इसको मैं आधे से आधा काट देता हूँ मतलब ये यहाँ से अगर यहाँ एल बाई टू एल बाई टू अगर ये हम कंसिडर करते हैं ये लेंथ है और यहाँ से मैं आधे से आधा काट देता हूँ मतलब ऐसे ओके तो ये कटा हुआ पोर्शन है तो ये जो पोर्शन बचा है इट्स कॉल्ड किंग क्लोज़र ओके इट इज़ अ सिंपल बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन फैक्ट मैंने एक सर से बात uh, मतलब एक सर से मैंने वीडियो देखा था उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो ब्रिक किंग पोस्ट है इसका अगर आपको एरिया एरिया बताना है सॉरी वॉल्यूम बताना है तो वो क्या होगा तो उस सर ने हमें बताया था कि ये अप, अपन कट कर देते यहाँ से तो इसका क्या होगा मालूम है क्या सर न, ये जो है इसका वॉल्यूम हम टोटल भी लेते फिर हमने इसको आधे से काटा मतलब जो वॉल्यूम है अपना वो आधा हो गया फिर इस आधे मतलब ये जो बचा पोर्शन यहां से यहां तक के ऐसा इसका और आधा कर दिया मतलब ये इंटू टू मतलब ये जो आधा है इसका और आधा और फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन है मतलब यहां से हमने कट किया था आप अगर यहां पर देख रहे होंगे यहां से हमने कट किया था तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है मतलब ये जो पूरा पोर्शन इसका और हमने आधा कर दिया मतलब ये क्या हो गया अभी ये देखिए आप ये अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू है मतलब ऐसे और इसका जो है अपॉन टू और इसका जो अपॉन टू है मतलब ये इसका आप अगर मल्टीप्लाई अच्छे से आती होंगी मतलब ये इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये इन यहाँ पर होगा ये आठ हो जाएगा और अभी क्या होगा ये आठ है ये प्लस हो जाएंगे सॉरी माइनस कर देंगे हम पूरे वॉल्यूम से मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है अपना है इस ब्रिक का वो हेयर विड्रॉ ये जो पूरा ब्रिक का वॉल्यूम है यहाँ से हम माइनस कर देंगे ये जो बचा बचा हुआ वॉल्यूम है तो हमें इसका जो आंसर मिल जाएगा वो सेवन बाय एट इंटू वी अब ये हमने कैसे किया आपको पता होगा कि इसको हम ये एक मतलब इसको ऐसे एट और यहाँ से एट मतलब इसका जो हम कॉमन ले लेते ऐसे आपको पता होगा तो ये सेवन वी माइनस वी तो ये अपना एट एट वी माइनस वी अपॉन एट तो ये वी हो जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम है ये जो बचा हुआ पोर्शन है अपना इसका जो वॉल्यूम होगा टोटल ब्रिक का तो ये जो होगा ये होगा सेवेन बाय एट इंटू वी ओके दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज आस्किंग इन द गेट अगेन टेक अ वन ब्रेक यू हैव टू सफर वन मोर ब्रिक एंड देन इट्स कंप्लीटेड लेट्स टेक अ ब्रिक एंड इफ आई कट दिस इफ दिस द लेंथ इफ कट दिस एट द प्लेन ऑफ वन फोर्थ मतलब अगर मैं इसको यहाँ से वन बाय फोर्थ एल को काटता हूँ तो ये हमारी बेसिकली जो बन जाएंगी वो होंगी बैट मतलब अगर प्लान में देखें तो ये है अपनी यहाँ से मैं वन फोर्थ काट देता हूँ तो ये जो बची हुई मतलब एक मिनट यहाँ से अगर अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ वन फोर्थ पर एल बाय फोर्थ एल तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये है हमारी बैट ये है हमारी बैट और इसी प्लेन को अगर मैं बीच में से काटता हूँ इसी प्लेन को अगर मैं बीच में से काटता हूँ आपको यहाँ पर प्लान में दिखाता हूँ मैं बीच में इसे काटता हूँ तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है और ये जो बचा हुआ हिस्सा है आधा इसको कहेंगे हम हाफ स्पेलिंग में क्या रहे है रहा, रहा है दोस्तों चल जाएंगा बैट हाफ बैट नॉट बैट बैट एंड इफ आई कट दिस फ्रॉम द वन थर्ड आई एम करेक्ट इफ यस यस इफ आई वी वी कट फ्रॉम द वन थर्ड Then this portion we called one third bat. Ah, that's a correct one third bat. And this is about the bat. Uh, if you look this, oh, sorry, if you look this, this is the one third back bat. Um, bat. Um, this is the bat. विच इज़ वी यूज मोस्टली एट द एट द एट द पोजिशन वेयर वे वेयर द मेन बॉन्डिंग आर एंड और द मेन बॉन्डिंग वर्क आर स्टार्टेड एट द कॉर्नर्स वी कैन से एट द कॉर्नर्स द बैट्स आर मोस्टली यूज एंड और इसमें एक दो टाइप है जो कि हम ज्यादा पैमाने पर साइड में यूज तो नहीं करते uh, लेकिन हाँ आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए तो ये जो इस इस टाइप में जो हम ब्रिक को कटिंग करते हैं उसको कहते हैं बेवेल्ट बेवेल्ट आप बेवेल्ट बैट ओके तो ये क्या है मालूम है क्या ये जो हमारा न, ये लेंथ है इसके हम वंथ फोर्थ यहाँ से लेते हैं मतलब क्या करते हैं ये जो इसका वन फोर्थ एरिया है लेंथ है वन फोर्थ यहाँ से काटेंगे इसको हम और ये जो है ये वाला इसका वन फोर्थ यहाँ से काटेंगे इस प्लेन में काटेंगे अब आपको ये समझ नहीं आया होगा तो इसको अगर हम इसमें देखें प्लान में हाँ ये देखिए तो इसका जो है ना वो है कि हमें इसको कुछ इस प्रकार काटना है कि इसका जो ये ये वाला है एरिया ये, ये वाला और ये ये कट जाए बस ये अगर आपने काट दिया तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है जो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो ये है अपना बीवेल्ड बीवेल्ड बैट ये बैट का ही एक प्रकार है दोस्तों ये कुछ इस तरह तो इसे हम बेवेल्ड बैट कहते हैं और और अगर हम एक ब्रिक लेते हैं यहाँ पर इसको मैं जल्दी से निपटा देता हूँ ताकि आप फ्री हो सके इसको देखकर तो ये जो बेवेल्ड कोर्स क्लोज़र है ये बेवेल्ड क्लोज़र क्या है इस ब्रिक को हम कैसे काटते हैं यहाँ से इस ये जो प्लेन है ये प्लेन है इसके बीच में से और ये जो प्लेन है ये अपना जो लेंथ में है इसको आधे इसको पूरे यहाँ से पूरे मतलब ये ऐसा कटेगा कुछ ऐसा इसको अगर प्लान में देखें प्लान में देखना आसान रहेगा तो इसको हम ऐसे यहाँ से काटेंगे ऐसे जो ये कटा हुआ हिस्सा है और जो ये बचा हुआ है ये बचा हुआ हिस्सा कुछ इस प्रकार दिखेगा यस दिस इज दी देवेल्ट क्लोजर बेवेल्ट क्लोजर दिस इज दल्ट क्लोजर और जो लास्ट है लास्ट इसमें हम मेटल्ड क्लोजर है क्लोजर तो मेटल क्लोजर क्या है मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक इसकी जो डायग्राम है इसको हम यहाँ से हाफ अलोंग द लेंथ ऐसे काटेंगे तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला ऐसे इसे हम मीटर मीटर क्लोजर तो ये जो मैंने आपको बताया बीवर्ड 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 बैट आ, बीवर्ड क्लोजर और न, मीटर क्लोजर मीटर क्लोजर क्लोज़र तो ये क्या है मालूम है क्या ये ज़्यादा पैमाने पर हम यूज़ नहीं करते हमारा जो बॉन्ड है उसमें हालांकि जब हम कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड में जाते हैं जब हम जब हम थ्री ब्रिकॉल या फिर फोर बी कॉल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किनी कॉर्नर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ब्रिक को करना तो वहाँ पर हम इस तरह के कुछ ब्रिक वर्क कटिंग करते हैं तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड ब्रिक वर्क में आता है तो उस uh, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं ये आप देख सकती है ये वाला तो uh, आपको ये समझ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू